हाथरस प्रकरण में प्रदर्शन कर रहे दो दर्जन कांग्रेसी हिरासत में। हाथरस की दलित बेटी प्रकरण में मुरादाबाद की सड़कों पर योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लगभग दो दर्जन कांग्रेसियों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन पहुंचा दिया है। हाथरस की दलित बेटी की रेप के बाद हत्या से विदेश भर में मचे बवाल से राजनीति भी तेज हो गई है। हाथरस जाने के नाम पर मुरादाबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद कुंभर की अगुवाई में कांग्रेसी पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर निकल पड़े और दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए नारेबाजी करते रहे। इसी बीच पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए इन सभी महिला पुरुष कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बुध बाजार इलाके में रोक लिया और पुलिस की बड़ी गाड़ी मंगवाकर उन्हें हिरासत में लेकर रिजर्व पुलिस लाइन भिजवा दिया। भाई हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हमें हाथरस नहीं जाने दे रहा, ये बहुत बड़ा अन्याय है। योगी मोदी हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, ये आवाज नहीं दबने देंगे। निशा बहन के लिए हाथरस जाने की तैयारी में थे, पुलिस प्रशासन ने हमें रोक के गिरफ्तार कर लिया है। जा रहे थे और हमें पुलिस जाने नहीं दे रही है और हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके उनमें जनता को ये आवाज उठानी चाहिए तो हमारी बहन को इंसाफ मिलेगा या नहीं। इसलिए सभी लोग जो है हाथरस जाना चाहते थे, जो बलात्कार पीड़िता की जो घटना है उसके लेकर हाथरस जाना चाह रहे थे, पर किसी घटना की आशंकाओं का इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है ये गिरफ्तारी की गई है। लगभग 20 से 25 लोग हैं, अब बाकी कार्रवाई की जा रही है।